अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे रिव्यू अरमानी कोड का। अरमानी कोड की ये जो परफ्यूम है ये लॉन्च हुई थी 2004 में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। और जब ये लॉन्च हुई थी तब ये इतनी ज़बरदस्त परफ्यूम थी कि इसको उस टाइम अवार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे, जिसमें एक काफ़ी तब एक अवार्ड हुआ करता था फिफी अवार्ड हुआ करता था, फ्रेगनेंस ऑफ द ईयर इसको अवार्ड मिला था। इसके बड़ी ना एक इसकी जो है ना फ्रेगनेंस एक है बड़ी अम्बर स्पाइसी सी इसकी जो स्मेल है वो है। और जब ये लॉन्च हुई थी तो ये बहुत फेमस हुई थी, ये एक बड़ी वर्सटाइल थी और उसमें ये था कि एक यूनिक थी। अब भी ये यूनिक ही है लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप देखें तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अच्छा, अब इसके अगर नोट्स की बात करें तो इसमें जो टॉप नोट्स है उसमें आता है लेमन और बर्जमन, उसके बाद मिडल नोट्स में आप देखें तो उसमें आता है स्टार अनाइस है मेरे ख्याल से उसे कहते हैं, और फिर है ओलिव ब्लॉसम। लेकिन जो बेस नोट है उसमें बड़े कमाल की चीज़ है लेदर, टोबैको और एक चीज़ होती है टोनिका बीन। जिस परफ्यूम में भी टोनिका बीन इस्तेमाल होगी वो बड़ी ही यूनिक होगी, और वो उसके अगर इंग्रेडिएंट्स ठीक होंगे तो वो कमाल की होगी। मुझे जितनी भी परफ्यूम्स का पता है जिसमें टोनिका बीन इस्तेमाल हुआ है वो आउटस्टैंडिंग है। वो आप उस पर आप कह सकते हैं कि आप आंखें बंद करके ले लें, वो उसके साथ आप रंग नहीं हो सकते। अच्छा, ये परफ्यूम उसके अलावा विंटर की, बेसिकली इसे कहा जाता है विंटर और फॉल की, और नाइट में ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने का मशवरा मैं दूंगा कि आप करें तो ज़्यादा आएगी, इसकी स्मेल ज़्यादा आएगी। उसके अलावा इसका जो आप कह लेंगे कि इसकी जो परफ्यूम है या लॉन्गेविटी है वो रहेगी तकरीबन 6-7 घंटे आपकी, आराम से ये आपको ना निकाल जाएगी। ओवरऑल मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आपने नहीं की हुई तो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। मसला सिर्फ यही है कि पुरानी हो चुकी है, तो कोई भी अगर इसको लगाएगा परफ्यूम के बारे में वो जानता होगा तो वो आपको फ़ौरन बता सकता है, लेकिन कम्प्लीमेंट्स ये ज़रूर देगी आपको, ये बात तो गारंटी है कि कम्प्लीमेंट्स आज भी अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको इसके कम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अपने टाइम की ये बेस्ट रह चुकी है। किसी भी ओकेजन में आप लगा लें, मैंने शुरू में जैसे कहा कि बड़ी वर्सटाइल सी इसकी परफ्यूम है, तो आप किसी भी ओकेजन में इसको इस्तेमाल कर लें आपको मिलेंगे। आज मैंने ये यूज़ की थी तो आज की बात है कि मैंने दोस्तों में बैठा हुआ था तो इसका जिक्र हुआ कि ये वो आपने इस्तेमाल की है, तो यही है कि सबको इसका पता है कि अगर आप करेंगे तो। लेकिन कम्प्लीमेंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, अगर कोई कह रहा है आपको तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि आपने कोई अच्छी परफ्यूम लगाई हुई है। और प्राइस के हिसाब से भी ये अपनी प्राइस भी बड़ी बहुत ही अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है, तो आउट ऑफ 10 इसको 8 नंबर इजीली मिल जाएंगे। सिर्फ इसका बैकग्राउंड यही होगा कि ये पुरानी है, उसके अलावा परफ्यूम ये इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।